महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई? महाराणा प्रताप की मृत्यु जिस दिन हुई, उस दिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने सामंतों से किस प्रकार की बातें की थी? आइए इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। मेवाड़ के इतिहास के प्रमुख स्रोतों में से एक स्रोत है वीर विनोद, जो कि कविराज श्यामल के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक के अनुसार 19 जनवरी सन 1597 ईस्वी को महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन का अंतिम समय चावंड में व्यतीत किया था, जो कि वर्तमान में राजस्थान के उदयपुर जिले में आता है और चावंड से 1 से 2 मील की दूरी पर एक गांव आता है, बांडोली। इसी बांडोली गांव में नदी के किनारे महाराणा प्रताप जी का अंतिम संस्कार किया गया था एवं इसी स्थान पर एक स्मारक बना हुआ है, जिसे महाराणा प्रताप की छतरी कहा जाता है। किताबों में लिखा गया है कि महाराणा प्रताप अपनी मृत्यु के समय चावंड में थे। जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस दिन वह बहुत दुखी थे और उनके चारों तरफ उनके सामंत बैठे हुए थे। वही सामंत जो कठिनाइयों के समय भी महाराणा प्रताप जी के साथ थे और अब उनके अंतिम समय में भी महाराणा प्रताप जी के पास बैठे हुए थे। तब एक सामंत ने हिम्मत करके महाराणा प्रताप से पूछ ही लिया कि आप इतने दुखी क्यों हैं? आखिर आपके प्राण आपके शरीर को आसानी से क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? तो महाराणा प्रताप ने जो अंतिम शब्द कहे, उन्हें जानकर आप भी सोचेंगे कि कोई व्यक्ति इतना स्वाभिमानी कैसे हो सकता है। महाराणा प्रताप ने यह कहा कि मेरा पुत्र अमर सिंह एक आराम पसंद व्यक्ति है और मुझे इस बात की उम्मीद कम ही है कि मेरी मृत्यु के पश्चात मेरा पुत्र मेरे वंश और राज्य के गौरव की रक्षा कर सकेगा। अगर आप लोग मुझे राज्य के गौरव की रक्षा का वचन दोगे तो संभवतः मेरे प्राण मेरे शरीर को आसानी से त्याग सकते हैं। महाराणा प्रताप के इन शब्दों को सुनकर सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की शपथ लेकर कहा कि हम आपके राज्य और आपके वंश के गौरव की रक्षा करेंगे। इसके बाद ही महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों का त्याग किया। महाराणा प्रताप किस बीमारी से मृत्यु को प्राप्त हुए, इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए एक स्रोत है महाराणा यश प्रकाश, जो कि भूर सिंह शेखावत के द्वारा लिखा गया है। इसके पेज नंबर 139 पर लिखा गया है कि ईश्वर की माया भी अपार है। वो वीर महाराणा प्रताप जो मुसलमानों से युद्ध करते हुए कभी घायल नहीं हुए, वह वीर जिसने अपनी तलवार से बहुत सारे योद्धाओं को मृत्यु शैया पर सुला दिया, आज कमान खींचने की वजह से घायल होकर इस संसार से हमेशा के लिए विदा हो गया। इन पंक्तियों का मतलब यही है कि जब महाराणा प्रताप शेर का शिकार करने जा रहे थे और उन्होंने जब अपने कमान को खींचा, तब महाराणा प्रताप के पेट वाले हिस्से पर बहुत जोर की चोट लगने पर महाराणा प्रताप बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। कुछ दिनों में वह घाव बहुत बड़ा हो गया और इस वजह से महाराणा प्रताप काफ़ी दिनों तक बीमार रहे और अंत में 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने अपने प्राणों का त्याग किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर के लिए एक लाइक तो बनता है। और दोस्तों, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय मेवाड़, जय हिंद।